हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 प्रार्थना। फ्रेंड्स, बुक है भाषा से 2। तो फ्रेंड्स, पाठ का नाम है प्रार्थना। और फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 है क्लास 7 का। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बॉक्स पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। उपनिषद के आधार पर लिखी गई इस प्रार्थना में सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्कर्म के मार्ग पर चलते रहने की कामना की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है कि ये जो कविता है उपनिषद पे बेस्ड है, मतलब ये उपनिषद के आधार पर ही लिखी गई है ये कविता। और इसमें क्या है कि इस प्रार्थना में सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्कर्म के मार्ग पर चलते रहने की कामना की गई है। इसमें सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्कर्म के मार्ग पर चलते रहने की, हमेशा चलते रहने की कामना की गई है, जिससे विश्व में शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित हो सके, जिससे पूरी दुनिया भर में शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित हो सके। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है प्रार्थना, ये उपनिषद के आधार पर है। जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, ये उपनिषद के आधार पर है और ये पूरा उपनिषद के आधार पर ये है, ये उपनिषद से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रार्थना पढ़ लेते हैं थोड़ा। हम असत्य से बचे, सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। फ्रेंड्स, ये दोनों बच्चे हैं, कह रहा है कि हम असत्य से बचे। अब यहाँ पे असत्य मतलब, अब असत्य मतलब है कि झूठ, असत्य मतलब झूठ हो गया। ये कह रहे हैं कि हम असत्य से बचे, सत्य पर चले, हम झूठ से बचे और सत्य की राह पर चले, हम हमेशा सच बोलें और झूठ कभी ना बोलें। प्रभु हमें ऐसा वरदान दो। वर मतलब वरदान, यहाँ पे वर का अर्थ है वरदान। अंधकार से हमें उबारो, अंधकार मतलब अंधेरा, अंधेरे से हमें उबारो मतलब हमें निकालो अंधेरे से, ज्योतिर्मय मानस कर दो। ज्योतिर्मय मतलब होता है कि प्रकाशमय, रोशनी से भरपूर। ज्योतिर्मय मतलब जहाँ रोशनी बहुत हो, एकदम रोशनी से भरा हुआ। तो मानस मतलब मन, हमारा मन। अंधकार से हमें निकालो और हमारे मन को प्रकाशमय, प्रकाश से भर दो। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान। विजय मतलब जीत, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, मृत्यु मतलब मौत, जीत की मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान। अमरता मतलब कभी न मरना। अब यहाँ पे कभी न मरने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि सबको एक न एक दिन मरना ही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर्म हमें करना है कि जिससे हम जाने के बाद भी अमर रहें, अपने कर्मों से हमें अमर होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। सत्य मार्ग पर चल कर पाए अमर ज्योति का नया विहान, सत्य की मार्ग पर चल कर पाए अमर ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश का नया विहान, विहान मतलब भोर सवेरा, अमर ज्योति का, अमर के प्रकाश का नया सवेरा। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। सभी को शांति और सुख मिले, ऐसी इस प्रार्थना में कामना की गई है कि हर इंसान को शांति मिले और सुख मिले, सबका जीवन मंगलमय हो। सबका जीवन मंगलमय मतलब कल्याणकारी, मंगलमय मतलब कल्याणकारी, सॉरी कल्याणकारी। सबका जीवन कल्याणकारी हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो, कोई भी जन दुखी न
किसी चीज का भय न हो, ऐसी कामना की गई है इस प्रार्थना में। फ्रेंड्स, ये प्रार्थना बहुत छोटी थी और इसकी विधा क्या है, कविता। इसकी विधा क्या है, कविता। तो फ्रेंड्स, ये प्रार्थना अब खत्म हो गई है। ये थी क्लास 7th की बुक भाषा सेतु का चैप्टर 1st था प्रार्थना, जो कि बहुत छोटा था और मैंने आपको इसे समझा दिया है कि इस प्रार्थना में क्या कामना की गई है, किस लिए की गई है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रार्थना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये उपनिषद से ली गई है, मतलब उपनिषद के आधार पर है। फ्रेंड्स, अब ये बॉक्स हम पढ़ लेते हैं। यह प्रार्थना उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है। यह प्रार्थना उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है। युगों से चले आ रहे जीवन के महान आदर्श हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी प्रेरणादायक हैं। मतलब कह रहा है कि पहली लाइन है कि यह प्रार्थना उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है, मतलब उपनिषद में श्लोक हैं, उन्हीं का भावानुवाद है ये। युगों से जो जीवन चले आ रहे हैं, महान जीवन जो हमारे जन्म के पहले से भी चले आ रहे हैं, वो हमारे ये इस जो हमारा इस समय का जीवन चल रहा है, हमारे वर्तमान जीवन के लिए प्रेरणादायक हैं। यह प्रार्थना किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। इसमें लिखा है कि यह प्रार्थना है किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। इसमें प्रकट की गई कामनाएं मानवतावादी हैं, सार्वभौमिक हैं और सर्वकालिक हैं। मानवतावादी मतलब मनुष्यता से संबंधित, मानवतावादी मतलब मनुष्यता से संबंधित, सार्वभौमिक मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ, जो कि पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ हो, और सर्वकालिक मतलब हमेशा बना रहने वाला, जो कि कभी भी खत्म ना हो, हमेशा बना रहने वाला। तो फ्रेंड्स, आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें।